हेमरो जी अभी यार बैक विद अनदरी व्लॉग खवातीन हज़रात, आज का जो व्लॉग है बड़ा ही स्पेशल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो भाई जाके देखें, फिर आपको ये वाले व्लॉग की समझ आएगी। ये है जी व्लॉग सीरीज नंबर 5 और अभी हम जी हैं अपना कहाँ पर है राना जमीन, कहाँ पर है ये कौन सा लगा बहरेन। हाँ, कलाम से हम आ गए थे बहरेन और बहरेन से अभी हम जाएंगे कहाँ पे भला बताऊँ कहाँ पे जाएंगे। हम जाएंगे भाई सीधा मालम जब्बा, आई 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 अब्बा जब्बा टब्बा मालम जब्बा जाएंगे और बाकी की स्वैग गाड़ी में बैठ के आपको बताता हूँ। यार बहुत बोलना है बदर तो बताओ। चलो यार अभी हम कलाम को बाय बाय करते हैं भाई, अल्लाह हाफिज़ करते हैं यार। कलाम से हम जा रहे हैं और सीधा जा रहे हैं अब्बा डब्बा, हाँ सॉरी बहरीन से। क्या यार बार बार कलाम निकल आता है यार मुझसे। वाह लाहौर की जी एस आई हुई है भाई, राना साहब का कहना है यहाँ से बहरीन में। ओके यार अल्लाह हाफिज़ बहरीन एंड कलामियों, अब हम सीधा मिलते हैं अब्बा डब्बा चब्बा। अभी आप यहाँ पे देख लें कि रात का जो टाइम है ना, ओए होए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है। ज़मीन पे तारे वाला हिसाब हो गया, ज़मीन पे तारे तारा रारा आहा। सो अभी मालम जब्बा तकरीबन 15 किलोमीटर है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आगे मत जाओ, आगे जो है ना चेन के बगैर आपका गुजारा मुजारा नहीं है। सो क्योंकि आगे सड़क पर बर्फ़ पड़ी हुई है। सो यार आपको पता है कि हम जो हैं कलाम से होके आ गए, कलाम से, और कलाम में बहुत मुश्किल था, लेकिन वो दिन दिन के टाइम आए हैं ना। अभी रात का टाइम हो गया है तो रात के टाइम के कुछ स्मैक्सी नज़ारे कुछ अलग हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। सो अभी ये वाले होटल पे रुके हैं, ये MTD होटल एंड रेस्टोरेंट। अभी यहाँ पे खाने शाने भी मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं, ये फोटोज़ वगैरह आपके सामने हैं और सारे स्वैग भी आपके सामने हैं। और ये गाड़ी खड़ी की है और यहाँ पर है जी होटल और बादशाह अभी चल रही है, देखते हैं जी क्या फैसला होता है और क्या नहीं। वो मेरे तो भाई हाथ कांप रहे हैं सर्दी की वजह से। चलो आओ ज़रा इस होटल के कुछ रूम वगैरह देखते हैं पहले और फिर डिसाइड करते हैं क्या सीन है। ठंड बड़ी ज़्यादा है, बात सीधी है। किधर गया ये अभी कमरा? सर्दी है, दिखाओ। अच्छा एक नीचे मैट्रेस लगा हुआ है, एक ये है डबल बेड, वाशरूम में इंडियन सीट लगी हुई है, वो लगा हुआ है कमोड, कमोड है, इंडियन सीट नहीं है इस पूरे होटल में, नहीं है इंडियन सीट पूरे होटल में, इंडियन सीट नहीं है। अच्छा नीचे वाले है। अच्छा और ये रहा जी ये डाइनिंग, मेरा मतलब यहाँ पे बैठ के खाना शाना भी खाने की जगह है। और ये व्यू भी अच्छा है इस साइड पर, चेक कर लें। ओह ज़मीन पे तारे तारा रारा। खवातीन हज़रात अभी जो है ना मैं थोड़ा सा साइड पे आ गया हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे जो है ना होटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है यार। आपको आया वो नीचे वो सोफ़ा सा लगा हुआ है ठीक है, और फिर एक बेड सा है और वाशरूम भी गंदा सा स्मेल आ रही है, MTD होटल। सो लिहाजा मैंने राना बशीर और मुजम्मिल साहब को ये मशवरा दिया है कि भाई जान हम ना चलते हैं सीधा अपना मालम जब्बा की तरफ। 15 किलोमीटर तो रह गया है, लेकिन ये 15 किलोमीटर जो है ना हमने जिससे भी पूछा कहता है बहुत खतरनाक सफ़र है, आप लोग ना जाओ, आपको आइडिया नहीं है, आप लोग चेन लगा लो, बर्फ़ सड़क पर बहुत है, कोहरा जमा है, रात का टाइम है, धूप नहीं पड़ी, वो जो है ना पानी बर्फ़ पिघल नहीं रही ना, सो इसी वजह से बर्फ़ जो है ना वो जम गई हुई है, गाड़ी फिसलेगी। सो मैंने कहा यार कोई बात नहीं हम जाएंगे। तो अभी जी हम मेरा ख्याल है कि निकलते हैं ठीक है, ये होटल हमें MTD बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जहाँ तक हम जा सके ठीक है वहाँ तक हम जाएंगे, फिर उसे वापस आके जो पहला होटल आया ना वहाँ पर स्टे कर लेंगे यार। तो अभी चलते हैं सीधा मालम जब्बा अब्बा जब्बा टब्बा। रात होगी, दुआ करेंगे सफ़र मज़ेदार सा गुजर जाए यार, सीधी सी बात है, और हालत भी बहुत बुरी हुई हुई है। सो गाइस मालम जब्बा जाते जाते आखिरकार यहाँ पर गाड़ियाँ फंस गई हैं, यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ेगी ऐसी है। ड्राइवर कौन है इधर का? ड्राइवर नहीं जा रही फिर सर, अब यहाँ से वापस जाएंगे ना। और रास्ते में जो चेन बेच रहा था उस्ताद, उसने आपको भी वो मशवरा दिया चेन का? अच्छा होटल वो सामने भी आए कुछ, अच्छा लेकिन वहाँ तक नहीं जाएगी। चलो चेन शेन देखते हैं, नहीं तो नीचे कोई आइडिया नहीं, एक दो गाड़ियाँ यहाँ पे अड़ी हुई हैं। चलो लेट्स सी, वापसी चलते हैं मालम जब्बा, सुबह सोच लेंगे जाने का, क्योंकि यहाँ पे मालम जब्बा में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है भाई, आगे नहीं जाएगा का ना। वापस मारो वापस लें जी, हमने तो अपनी गाड़ी कर ली वापस, और ये देखें ना चेक करें, अभी देखते हैं क्या बनता है इनका। बड़ी गाड़ी है ना, फोर व्हील तो चढ़ेगी, ईजीली चढ़ेगी, लेकिन जो है ना दूसरी वो बड़ा मुश्किल है भाई, चढ़ेगी ना? हाँ वो ले गया, लेकिन भाई मारी नहीं जा रही ना कल्टस ना वैगन आर ना करोला वो भी चला गया। लेट्स गो यार वापस चलें, सुबह के बारे में सोचा जाएगा। चेन से गुजारा मुजारा क्यों करना है भाई। हाँ जा हो मालम जब्बा जाने की ख्वाहिश अधूरी रहेगी फिलहाल। खतरा भाई अधूरी को छोड़ो, मालम जब्बा फिर ज़िंदगी कहाँ से मिलती बार बार, एक ही कहता है लेट्स गो टू मूव ऑन वापस। चल भी राना वापस ही जानते, लेट्स गो।
सो गाइज अभी जो है हम ऊपर तो नहीं जा सके, ना ही जा सकते हैं, वो इसी वजह से चूंकि बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऊपर पड़ी हुई है और गाड़ी स्लिपरी हो रही थी, तो हम वापस आ गए रे बाबा। और यहाँ पर एक जी होटल है, कायनात होटल एंड रेस्टोरेंट। ओह सो ये भाई जी यहाँ के ओनर है। क्या बात है, क्या बात है। इनसे जी हमने डील की है एक रूम की, और ये रूम आप चेक कर लें, माशाल्लाह माशाल्लाह समेक्सी। ये हो गया जी इसकी एंट्रेंस, नीचे क्लीन है। और यहाँ पर जी एक छोटा सा सोफा पड़ा हुआ है, पता नहीं किसको मारने के लिए। यहाँ पर जी एक सिंगल बेड है, ओह वेरी नाइस। वहाँ पर जी जयनमाज है, और यहाँ पर जी डबल बेड है। हाँ हाँ बैग निकालो ना यार, सब सामान लेके आओ, निकालो, इधर रखो अंदर। और वॉशरूम, वॉशरूम दिखा दें कैसा है रे बाबा। देखें पिछला 2000 का मिल गया था, ओह वेरी नाइस। ओह हो क्या बात है, क्या बात है। सो ये टीवी शीवी भी लगा हुआ है, पर्दा है, इसको सुबह पीछे करके बाहर के माहौल दिखाएंगे आपको, सुबह दिखाएंगे, सही है। और अभी जो है ना यहाँ पर हम कुछ खाना शाना देखते हैं, और ये कायनात होटल का ज़रा थोड़ा सा व्यू भी देख लो। ये जी सिटिंग एरिया सिस्टम है, सुबह आपको वो सामने वाले पहाड़ का कुछ नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ मैं, और अगले पार्ट में। समझ आ गई है? नहीं आई समझ? समझ आ गई है, बहुत शरारती हो। और मैं आपको बता दूं अभी हम यहाँ पे खाना शाना डिनर शिनर भी करेंगे, ज़रा फ्रेश मेरेश हो जाए ना यार, थोड़ा सा गीजर गीजर लगा दो, पानी शानी गर्म हो जाएगा हमारे लिए। सो गाइज अभी जो है हमने रूम शूम तो ले लिया, सामान वगैरह सारा रख दिया, और रूम के बाहर ही ना इनका ये ढाबा सा बना हुआ है, यहाँ से हम करवाएंगे मुगरी। सो मुगरी जो है ना हम ताज़ा ताज़ा अपने हाथों के सामने, अपने सामने मेरा मतलब जीबा होने लगी है। अरे मुर्गी रे बाबा, अरे बाबा आ जाओ, अरे आ जाओ, अभी तुम हमें खाएगा। ओहो नहीं, हम तुम्हें खाएगा, बड़ा मुर्गा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किधर जा रहा है? मालम जब्बा अभी पहुंच नहीं हुई हमारी, सही। बिस्मिल्लाह अकबर। ये चीज़ वो उधर से डॉगी आ गया, तुम लोग ना देखो ना यार, तुम लोग घबरा जाओगे, तुम लोग मत देखो इस तरह का काम, हाँ समझा करो। वो आ गया डॉगी, शेर का बच्चा आ गया। ये चीज़ बैठ गया उधर इंतजार में, कुछ चीज़ बचेगी तो हम खाएंगे। लो जी वहाँ पे मुर्गी ज़िबा होगी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम अंदर आपके सामने ही बनाएंगे, ठीक है, और आपके सामने ही खाएंगे, और ये स्वैग बड़ा मज़ेदार होगा। हाँ हाँ। तो गाइज़ हमारी मुर्गी शुर्गी जो है ना वो भाई ने बिल्कुल अच्छी तरह, ये देखें क्या हालत कर दी हुई है, और धो दी है, और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ गई है, और ऑयल चोइल डाल दिया है, नीचे आग जल गई है। हाँ 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 हाँ। और हम इनके किचन में घुस गए हैं, तुम्हें को मसला तो नहीं अभी ज़्यादा हो रहा? वेरी नाइस, ये चेक करें भाई। क्या बात है, क्या बात। इसका चम चखे रखें, इसको हिलाना नहीं है, इसको हिलाएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। किलो मुर्गी नहीं मिलेगा, खाना पूरी मुर्गी देगा, पूरी, पूरी। हाँ एक किलो का हिसाब नहीं है इधर। हाँ हाँ इतना नमक से तुम नहीं जाएगा। हाय 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 हाय, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात। अभी दम आ रहा है इसको, ठीक है। अच्छा बन गई है, वल्ले 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 वल्ले। और ये देखो भाई अभी यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, ज़बरदस्त, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और यहाँ पर जी माशाल्लाह, ओहो क्या बात है, क्या बात है, सुभानअल्लाह। और जी हम इस बावर्ची खाने के अंदर ही बैठ के रोटी खाएंगे, सही है, ये आप चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे माहौल ज़रा थोड़ा सा गर्म है, और ये भाई भी हमारे साथ ही हैं। से हाय यार, हाय कर दे यार ऑडियंस का। और बाहर चूँकि सर्दी है, फिर ये रोटी छोटी खाकर फिर हम आराम और शाद फरमाएंगे, और सुबह जल्दी निकलेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं ऑप्टिमम बाइट। रोटी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है भाई, घर की याद करवा रही है, इतनी मज़ेदार रोटी है। यहाँ से एक बोटी लेते हैं, हाय 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 हाय। यहाँ से अभी इसको मसाले में गोता लगवाते हैं, और अभी ये बन कीजिए एक दम पुख्त ऑप्टिमम बाइट। बिस्मिल्लाह, ले जी भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है कि हमने रात का डिनर शिनर कर लिया हुआ है, और अभी हम जी चाय बना रहे हैं अपने लिए मजेदार सी चाय। जब तक राणा साहब चाय मैंने भी पीनी है, ठीक है, ये देखो कहना, ये देखो। ओए होए होए होए, इन बर्फीले करके दिखा रहा हूं, बर्फीले इलाके में चाय के बगैर गुजारा मुजारा नहीं है, बात सीधी। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, ये देखो, वेरी नाइस। हिलाओ 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 जुलाओ इसको। अभी कोरा देखा तुमने आज? कोरा देखा, और इसी वजह से हम ऊपर नहीं जाएगा। तो बारे तो कान को हाथ लगाने दो, सबर करो यार, आप लोगों के पास ये देखो ऊपर नहीं जाएगा, वरना डायरेक्ट नीचे जाएगा और फिर डायरेक्ट ऊपर जाएगा, इसी वजह से ऊपर नहीं जाएगा गाड़ी में, इधर ही गुजारा मुजारा करेगा, सुबह ऊपर जाने के बारे में सोचेगा, ठीक है। सुबह यार हाइस्ट करा देना। सो गाइज इधर चेक करें भाई, ये है जी माल नामा, चाय शाय सब कुछ ऐड कर दिया यार इसमें, और अभी जी हम दोबारा रूम में आ गए हैं, सेट वेट हो गए हैं, कंबल छमर रजाइयां एक्स्ट्रा मंगवा लिए। हाय 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 हाय। सो मैं तो कहता हूँ कि रूम का टूर तो आपको दे ही दिया है, तो कभी 2000 से 1500 वाले रूम का भी टूर जो है ना उसमें भी गुजारा मुजारा कर लेना चाहिए ना यार, इस तरह की हालात तो वाकई आते हैं। सो यहाँ पर टीवी है, इसको लगाएंगे, लेकिन अभी तो जरा हमारे मोबाइल शोबाइल चार्जिंग हो रहे हैं। सो ओ एक्स्ट्रा कंबल एक और आ गया, फेंक दे इधर, बस ठीक है, अब हमको सर्दी नहीं लगेगा, कहना क्योंकि बाहर बर्फबारी हो रहा है।
सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है हम यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। राना मुबशीर साहब तो भाई सो गए हैं और राना मुजम्मिल साहब जो है वो सोने की तैयारी कर रहे हैं और हम भी अभी सोने लगे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम सवाद बहरीन से सीधा सफ़र कर रहे थे मालम जब्बा की तरफ, और मालम जब्बा पे हमारी पहुंच नहीं हो सकी। कम अज़ कम जो है ना 15 किलोमीटर का सफ़र अभी आगे पड़ा हुआ है, यानी एक घंटे का सफ़र है तकरीबन, ठीक है। और आगे नहीं जा सकते क्योंकि बर्फ़ जो है जम गई है, गाड़ी फिसल रही है और वापस जो है ना खतरा है ना यार, समझा करें ना यार। सो अभी 15 किलोमीटर हमने पहले यहाँ पर एक होटल से ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर अभी रेस्ट चार्ज फरमाएंगे, सुबह धूप लगेगी, कोरा शोरा पिघलेगा, बर्फ़ पिघलेगी, ऊपर मालम जब्बा जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो वापस हम जाएंगे सीधा लाहौर, क्योंकि पहाड़ी इलाके में भाईजान 4-5 दिन गुजारा मुजारा जो है ना बहुत मुश्किल है। सीधी सी बात है, हमारी बोली भी चेंज हो जाती है, हमारे रूप और अंदाज सब चेंज हो जाता है यार। अगर हम 5-6 दिन रहे यहाँ पे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। क्यों राना मुजम्मिल, ऐसे फिल्टर लगाया हुआ है? हाँ, फिल्टर से गुजारा मुजारा करते हैं हम, ऑडियंस को पता है। सो इस लोग को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग देखकर मजा आया होगा। अगर तो आप बदर भाई यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आने पर मस्ट लाइक और कमेंट कर देना। मुझे नहीं इजाजत ओ का फिर।